जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में रविवार की शाम आतंकवादियों ने तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस पर फायरिंग की। इस फायरिंग में बस में सवार श्रद्धालुओं और बस के ड्राइवर को गोली लगी, जिसके बाद ये बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। इस आतंकी हमले में 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस हमले के बाद तुरंत घायलों को बचाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस के मुताबिक आतंकवादियों ने घात लगाकर शिवखोड़ी से वैष्णो देवी कटरा के लिए जा रही बस पर गोलीबारी की। इस हमले में बस के ड्राइवर को गोली लग गई और बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। इसके बाद स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और घायल पीड़ितों की मदद की। आतंकियों ने आखिर बस पर कैसे हमला किया और हमले के वक्त बस के अंदर क्या हुआ था, इसको लेकर चश्मदीदों ने कई खुलासे किए हैं। इस हमले में जिंदा बचे घायल चश्मदीदों ने कैमरे के सामने इस पूरी घटना का ब्यौरा दिया है। चश्मदीदों ने बताया कि आतंकी अचानक से आए और उन्होंने ताबड़तोड़ बस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। इसके बाद बस के ड्राइवर को गोली लगी और बस खाई में जा गिरी। फायरिंग का आवाज सुने तो फिर सब लोग झुक गए अंदर, तो फिर यहाँ आके पता चला कि ड्राइवर को सीधे गोली लग गया था, तो वो उनकी डेथ हो गई थी, तो वो जो बस है वो खाई में पलट गया था। सभी लोग कुछ बाहर और कुछ अंदर सब पड़े हुए थे, किसी को गोली लगा, एक हमारे बगल में थे उनका सीधे सर में लगा गोली, और गिरने के बाद भी बस नीचे गिरा था, सब लोग पड़े तो ऊपर से फायरिंग 10-15 मिनट तक हुई और तब से फायर चलता रहा और बस हमारी जो है थोड़ी सी आगे जाकर खाई में पलट गई। 5-6 राउंड गिरने के बाद एक बड़ा पत्थर में जो है बस फंस गया और रुक गया, और सभी लोग जो है चोटी लोग हैं उसमें, कोई पड़ा था बेसुध, कोई इधर, कोई बाहर, कोई बस में, और सभी लोगों को एकदम जो है चोट लगा हुआ था और फायर होता रहा, तब भी जो है 10-15 मिनट तक और फायर हुआ। हम यूपी से हैं, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर से। हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद में गए थे शिवखोड़ी दर्शन करने। दर्शन करके जब वापस लौट रहे थे, मुश्किल से 4-5 किलोमीटर गाड़ी आगे आई होगी, फिर एक पहाड़ से जब नीचे उतर रही थी तभी गोली चलने लगी थी, और गोली चलने के बाद में बस जब नीचे चली गई है, गिर गई बस, उसके बाद में तब भी गोली काफी टाइम चला। जो रोड पे जब गाड़ी थी चल रही थी तो सामने सफारी। सर जैसे ही हमें पता लगा कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और सुनने में आ रहा है कि गाड़ी पे मिलिट्री ने अटैक कर दिया, तो हम भागे भागे जहां पे आ गए। सभी लोग जो है मेरे साथ में तकरीबन 40-50 किलो करीब लोग आए, उसके साथ ही चौकी अफसर 38 अपनी टीम के साथ यहां पे पहुंचे और हमने देखा कि गाड़ी जो है वो खाई में गिरी हुई है और लोग जो है वो चिल्ला रहे हैं और हल्ला कर रहे हैं, बचाने की गुहार लगा रहे हैं। तो हमने देखा कि जो कुछ लोग तो जो थे वो उनकी डेथ हो चुकी थी और कुछ लोग जो थे वो गाड़ी में फंसे हुए थे और कुछ बाहर गिरे हुए थे। तो हमने आते ही पहले जो बचे हुए लोग थे जो जख्मी थे उनको उनका रेस्क्यू किया और यहां से शिफ्ट किया सीएससी 38 में और वहां पे फर्स्ट एड वगैरह का काम जो है वो चला। फिर उसके बाद हमने यहां से डेड बॉडीज निकाली और जहां से चार डेड बॉडीज जो है वो 38 सीएससी में शिफ्ट कर दी गई और 5 को जो है जब पौनी से एम्बुलेंस आई तो पौनी में शिफ्ट की और कुछ जो पेशेंट है जो कुछ जख्मी थे वो उनको पौनी में शिफ्ट किया गया और मैक्सिमम जो जख्मी थे वो उनको 38 शिफ्ट किया और 38 से फिर एम्बुलेंस के द्वारा जैसी जैसी उनको जोड़ी थी, कुछ को जम्मू, कुछ को नारायणा हॉस्पिटल और कुछ को रियासी जो है वो शिफ्ट किया। तो हम जब जहां आए तो हमने जो जख्मी लोग थे उनसे जब पूछा तो उन्होंने बताया कि जैसे ही गाड़ी जो है ये कंडा से 200 मीटर आगे निकली है जहां इस स्पॉट पे पहुंची है तो एक मिलिटेंट ने ड्राइवर पे अटैक किया और उसके सिर में गोली लगी है। जैसे ही ड्राइवर के सिर में गोली लगी तो उसका संतुलन जो है वो खो गया और गाड़ी जो खाई में चली गई, लेकिन उन्होंने अपनी फायरिंग करना बंद नहीं की और वो 15-20 मिनट तक बाद में भी फायरिंग करते रहे जबकि गाड़ी जो है वो खाई में गिर चुकी थी और उसी वजह से कुछ लोग गोलियों की वजह से जो है गोली लगने की वजह से जख्मी हुए और कुछ लोग जो है वो एक्सीडेंट की वजह से जख्मी हुए और उनकी कैजुअल्टी हो गई। तो किसी ने कोई देखा था कि कितने आतंकी है या कोई किसी ने बोला? सर उनके कहने के मुताबिक वो कहते हैं कि एक जो गोलियां गोलियों की आवाज ही सुनी है, एक गोली की आवाज पीछे से आ रही थी और एक ने जो है वो हम ड्राइवर पे अटैक किया क्योंकि हम तो देख नहीं पा रहे थे तो क्योंकि उसके उनके अलावा यहाँ पे और कोई नहीं था। तो लोकल लोगों ने भी मदद की? पूरे जितने भी लोकल लोग थे, ये अर्जैनिंग एरिया, बमलिया, आठंगरियोट, 38 के लोग जो ये भागे भागे यहाँ आए और विद इन हावर उन्होंने जो है ये पूरा रेस्क्यू जो किया और उसके बाद जितने भी जो जख्मी लोग थे और डेड बॉडीज थी वो उनको रेस्क्यू। इस तरह की कोई
सर इस एरिया में ये पहली बार है और इस तरह का जो सामने है जो ये पहली बार घटना जो हमारे एरिया में घटी है, इससे हमारी लोगों का मनोबल भी जो है वो टूटा है और इसके साथ साथ जो है इसका यात्रा के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा और शायद मिलिटेंटों ने इसीलिए अटैक किया कि जो यात्रा को अफेक्ट किया जाए और एक नया किस्म का ये हुआ है हमारे इलाका में। इससे पहले जब मिलिटेंसी चरम पे थी तब भी किस किस्म का हादसा यहाँ पे नहीं हुआ। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।